सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित टेक्नो। गाइस मेरा नाम है अमित कुमार और आज जो है मैं एक फिर से फ़ॉन्ट का वीडियो लेकर आ चुका हूँ। गाइस वो जो फ़ॉन्ट है डीजी फ़ॉन्ट ही है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैं एक न्यू डीजी फ़ॉन्ट लेकर आया था, उसी प्रकार से इस वीडियो में भी मैं आपके लिए एक डीजी फ़ॉन्ट लेकर आया हूँ। जैसे कि वो फ़ॉन्ट आप इस वीडियो के थंबनेल पर भी देखे होंगे और हूबहू ओरिजिनल ही फ़ॉन्ट इस वीडियो में दिया जाएगा, ऐसा फेक वगैरह नहीं दिया जाएगा। गाइस आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, फिर आजमाइए, फिर बोलिएगा कमेंट में कि ये फ़ॉन्ट जो है गलत है या कुछ भी है, अदर फ़ॉन्ट हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। पहले इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और इस फ़ॉन्ट को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। फिर उसके बाद जो है आपको अच्छी तरह से पूरा समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार से जो है ये फ़ॉन्ट है ये फेक है, ओरिजिनल है। तो गाइस अगर ऐसा आप समझते हैं कि ये फ़ॉन्ट जो है फेक है तो जो है आप इस वीडियो को फॉरगेट कीजिए और इस वीडियो को यहाँ से रिमूव कीजिए। और गाइस अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो आपको ओरिजिनल फ़ॉन्ट ही मिलेगा। अगर आपको देखना चाहते हैं वीडियो को तो फुल देखिएगा, हाफ मत देखिएगा, आधा मतलब मत देखिएगा, देखना होगा तो फुल देखिएगा, क्योंकि वीडियो में दो स्टेप में पासवर्ड है, वो दोनों स्टेप का पासवर्ड जो है आपको जब तक नहीं मिलेगा आप इस फ़ॉन्ट को इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है, देखना होगा तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, नहीं तो मत देखिए। तो इस फ़ॉन्ट को जो है इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, जैसे कि आप इस वीडियो के थंबनेल पर भी देखेंगे, और मैं इस प्रकार से जूम करके भी मैं आपको इसमें दिखा दे रहा हूँ। जैसे गाइस देख सकते हैं कितना मस्त और कितना इंटरेस्टिंग जो है ये फ़ॉन्ट है। इसमें डिजाइनिंग वगैरह देख सकते हैं, इस प्रकार से जो है ये हूबहू सारा फ़ॉन्ट का जो है एक एक अक्षर उस फ़ॉन्ट में है। जाकर आप इस्तेमाल कीजिएगा तो यही फ़ॉन्ट जो है आपको दिखेगा उसमें। तो गाइस चलिए जो है मैं यूनिकोड पेड एप्लीकेशन में एक एक अक्षर का एक एक फ़ॉन्ट का जो है रिव्यू करवा दे रहा हूँ, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये बिल्कुल ओरिजिनल फ़ॉन्ट है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली चल जाता हूँ यूनिकोड पेड एप्लीकेशन में। तो यहीं से मैं आ गया यूनिकोड पेड एप्लीकेशन में। गाइस जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा यूनिकोड पेड एप्लीकेशन, और इसी में मैं आपको एक एक फ़ॉन्ट दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं कुछ भी लिखूँ तो नीचे से आ जाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आप खुद ही देख लीजिए कि ये जो है एक ओरिजिनल ही फ़ॉन्ट है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर कोलीग्राफी वगैरह बहुत है, यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिएगा इस। तो इस प्रकार से जो है जैसे कि देख सकते हैं मैं यहाँ पर जो है इस प्रकार से यहाँ पर ये जो पूरा फ़ॉन्ट का रिव्यू करवा दिया। और चलिए जो है मैं वही टाइप करके दिखा दे रहा हूँ जो कि मैं आपको इस वीडियो के थंबनेल पर टाइप किया हूँ, तो उसी को मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, देख लेता हूँ वो अक्षर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। सो तो मैं यहाँ से लिख ले रहा हूँ और ये रहा, जल्दी जल्दी लिख ले रहा हूँ गाइस। यहाँ पर एक बिंदु चाहिए मुझे जो कि ये रहा, हो गया। फिर उसके बाद ब चाहिए, ब ऊपर मिलेगा तो ब मिल गया। अब नीचे से मैं खड़ी पाई का मात्रा लगा लेता हूँ और फिर उसके बाद ज, ज चाहिए तो ज ऊपर है, इधर है। तो ये रहा हमारे पास ज, तो मैं इसमें से कौन सा लूँ मैं देख ले रहा हूँ, वही वाला मैं लूँगा जो कि वीडियो के थंबनेल पर मैं लिया हूँ। यहाँ पर हो चुका है और यहाँ पर जो है मैं जो वीडियो के थंबनेल पर लिखा हूँ वही यहाँ पर लिख लिया। फिर उसके बाद कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ से डायरेक्टली चलिए मैं लेकर चलता हूँ पिक्सल एप्लीकेशन में इस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके, और मैं आपको कलर वगैरह सब कुछ सिलेक्ट करके दिखा दूँगा और पूरा रिव्यू करवाऊँगा उसमें कि किस प्रकार से जो है ये इस फ़ॉन्ट को आप डाउनलोड करना है और कैसे इस्तेमाल कीजिएगा और ये फेक है या ओरिजिनल है, पिक्सल एप्लीकेशन में ही आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं डायरेक्टली लेकर चलता हूँ आपको पिक्सल एप्लीकेशन में। सो गाइस जैसे कि देख सकते हैं मैं अब आपको लेकर आ चुका हूँ अपने पिक्सल एप्लीकेशन में। तो इसको सबसे पहले यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट न्यू ले लेता हूँ, फिर उसके बाद एडिट पर क्लिक करता हूँ और वो यूनिकोड जो है यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले डिलीट करके यूनिकोड पेस्ट कर लिया, फिर उसके बाद डन पर क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं चलिए आपको फ़ॉन्ट में जाकर जो है दिखा दे रहा हूँ, सेलेक्ट करके ए बी फ़ॉन्ट में जाता हूँ और जो है यहाँ पर माई फ़ॉन्ट में मैं आता हूँ और मेरा वो फ़ॉन्ट ये नीचे वाला है जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लिया और ओके पर क्लिक कर लेता हूँ। और जैसे कि देख सकते हैं मैं इसका साइज़ थोड़ा इधर से बढ़ा लेता हूँ, देख लीजिएगा गाइस। अब इसमें अगर आपको फेक लगे या कुछ भी लगे तो आप खुद कमेंट कीजिएगा, आप खुद समझिएगा इसके बाद जो है जो फ़ॉन्ट है फेक है क्या है, आप खुद समझ सकते हैं। मैं अब आपको ज़्यादा बार बार नहीं बोलूँगा कि ये ओरिजिनल फ़ॉन्ट है, आप खुद देख लीजिए ये ओरिजिनल है या क्या है। तो मैं कलर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, कलर मैं वाइट ही रखूँगा। तो
तो इसमें एक ऑप्शन आता है जो कि इनर शेडो का, इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसमें कलर मैं सेलेक्ट करूँगा स्काई कलर। ओके पर क्लिक कर लेता हूँ और इसमें थोड़ा सा इधर उधर कर लेता हूँ अपने हिसाब से एडजस्टमेंट में। इतना मुझे चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल वही वाला फ़ॉन्ट है गाइस। मैं आपको क्या बोलूँ बार बार फ़ॉन्ट के बारे में, आप खुद देख सकते हैं। तो गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और ये फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमारे चैनल पर डीजी फ़ॉन्ट सारा आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, सारा जो है ओरिजिनल फ़ॉन्ट आएगा हमारे चैनल पर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। धीरे धीरे मैं सारा करके लेकर आऊँगा अपने चैनल पर डीजी फ़ॉन्ट। तो आप बस हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी ये इस फ़ॉन्ट का फ़ायदा उठा सकें। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनवाना हो आपको किसी टॉपिक पर तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।